यूं मिले के रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए, थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपने अपने रात हम, निभा सके नाम से हम के उससे पहले रो दिए। बेटा समीन आंटी प्लीज, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शट अप। अब जरा आ जाए वापस, मैं भी लिहाज और मुरावत चूल्हे में डालकर पुरानी मुमताज बनकर दिखाऊंगी उसे। जानना चाहते हो किस खानदान की है वो? तुम्हारे खानदान की, तुम्हारी सगी बहन है नजफ। सिकंदर, मलिया किसी को भी बताए बगैर घर से निकल गई है, मुझे लग रहा है वो तुम्हारे पास आएगी। मेरे पास आएगी क्यों? मुझे नहीं पता, मैं तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब मलिया तुम्हारे पास आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी परेशान हूँ इस तरह उसके अचानक घर से जाने से, उसने तो खाना भी नहीं खाया। अच्छा चलें ठीक है, आप परेशान ना हो, वो अगर आती मेरे पास तो I'll let you know. Thank you. मैं बहन हूं तुम्हारी, तुम्हें ये बात कब से मालूम थी? जब से मैं दुआ की गवर्नेंस बनकर आई थी। और जब से तुमने मुझे अपनी बातें सुनने पर डांटा था। और सिकंदर को कब बताया तुमने? मैंने सिकंदर को नहीं बताया, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे सवाल का जवाब दो। उनको कुछ दिन पहले ही मालूम हुआ था, लेकिन मलिहा उन्होंने कहा था कि उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे थी ना पहले उनके लिए वैसे ही हो अब तक। लेकिन उसने ऐसा किया था, ये राज जानते ही अंगूठी वापस कर दी उसने। कोई और वजह होगी, लेकिन वो तुमसे शादी जरूर करेंगे। अगर तुम्हें क्या लगता है नजफ, वो उस लेम एक्सक्यूज पर यकीन कर लूंगी? मलिहा मेरी बात पर यकीन करो, वो अपना फैसला बदल लेंगे। कुछ फहमी है तुम्हारी, जो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे उन झूठे दिलासों पर यकीन कर लूंगी? तुम सिर्फ इतना बताओ कि उसके इस फैसले में तुम्हारा क्या रोल है? मलिहा मेरा कोई रोल नहीं है इसमें। देखो मेरी जब भी उनसे बात हुई है तुम्हारे मुतालिक, हमेशा यही हुई है कि वो तुम्हें खुश रखे। उसने तो कभी खुश नहीं रखा, मुझसे मोहब्बत करता तो खुश रखता ना, वो तो कभी मेरा हुआ ही नहीं।
सिकंदर तुमसे मोहब्बत करते हैं। मेरी जिंदगी तो ऐसे अचानक बदल गई थी, समझ में ही नहीं आता क्या करूं। जो अपने थे वो पराए हो गए, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था वो अपने निकले। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अपने बहन के मिलने पर खुशी मनाऊं या हम। 22 साल बाद तुम मुझे मिली और तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी टूट गई। तुम उस घर में थी तो लगता था मेरे रिश्ते को फर्क पड़ेगा। अब सोचती हूँ कि तुम्हें वहां से निकलवा कर मैंने अपना रिश्ता ही खत्म करवा दिया। मलिया मेरी, तुम मलिया मेरे पास नहीं आई। माय गॉड, मैं उसे अब कहां ढूंढूंगी? सिकंदर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर छोड़कर गई है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी। आंटी, इस वक्त गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मलिया को ढूंढना जरूरी है। आप सोचिए, अगर वो मेरे पास नहीं आई तो कहां है फिर? कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। तुम्हारे अलावा उसकी जिंदगी में और कौन है? तुमसे मोहब्बत के सिवा उसने और काम ही क्या किया है? मेरी बेटी तो टूट के रह गई होगी, मैं भी पराई निकली और तुमने भी उसका साथ छोड़ दिया। ऐसा नहीं यार, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और रहती भी, लेकिन आप लोगों की वजह से हमारी दोस्ती भी मुतासर हो। तुम्हारे लिए कितना आसान है ना ये कहना, वो बाद में भी मेरी दोस्त रहेगी। बहुत मुश्किल है ये। सोचो जरा, कोई लड़की जिसके साथ मुस्तकबिल के ख्वाब देखती आ रही हो और वो उसे ये कह दे कि तुम मेरी दोस्त बन के रहो। नहीं नहीं सिकंदर, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो इस कर्म का अंदाजा ही नहीं हो सकता। I'm sorry aunt, लेकिन उसकी तकलीफ में सिर्फ मेरा हाथ नहीं, आप लोग भी बराबर के शरीक। मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसको अपनी सगी बेटी की तरह पाला है। उसके हर दुख और हर तकलीफ में मैं इसी तरह तड़पी हूं जैसे एक सगी मां तड़पती है। मगर आपको उसे सच बताना चाहिए था। अपनी गलती अब मेरे ऊपर थोपने की कोशिश मत करो सिकंदर। तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा सिकंदर। किसी और की गलती की सजा मलिया को नहीं मिलनी चाहिए। फैसला तो मैं कर चुका हूं, इसी में हम दोनों के लिए बेहतरी। मलिया को ढूंढने के अलावा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जिस बाप की तुम औलाद हो ना, उसके तो खून में ही बेवफाई है। तुम्हारे बाप ने भी टूट के चाहने वाली नाइमा के साथ भी ऐसे ही किया था। ऐसे बाप की औलाद से और मैं तवक्के भी क्या कर सकती हूँ। मलिया को ढूंढने का एहसान भी तुम अपने पास ही रखो। क्या था ये सब? इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें हवा तक नहीं लगने दी। मामी, जी क्या मैं लगाई हुई है तुमने? तुम क्या समझ रही थी तुम कुछ भी करके आ जाओगी और हमें पता नहीं चलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, सिकंदर की मंगनी टूटने वाली बात तुम्हें मालूम नहीं थी? जी मालूम थी। तो फिर हमें क्यों नहीं बताया तुमने? हाँ नजफ, वाह, हम तुम्हें अपने घर का फर्ज समझ रहे हैं और तुम इतनी घुली निकली हो। हमें हवा तक नहीं लगने थी इस बात की। ये किस मुंह से बताती अम्मा, इसी की वजह से तो टूटी है। अब तुम्हें बहन मिल गई है ना, जाओ उसके पास, रहो उसके घर में। मैं कहीं नहीं जाना चाहती और मुझे नहीं पता कि सिकंदर की मंगनी कब टूटी और कैसे टूटी।
मेरा क्या कसूर है? क्यों मुझे सजा दे रही हो? मैंने तो जिंदगी भर तुम्हें अपनी सगी बेटी से बढ़कर प्यार किया और इसी डर की वजह से कभी तुम्हें यह बात पता नहीं चलने दी। मलिया कहां चली गई थी बगैर बताए? तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझ पे क्या गुजरी होगी? आपको कभी ख्याल है कि मुझ पे क्या गुजर सकती है? मलिया तुम कहां गई थी? मैंने तुम्हारी सारी दोस्तों को फोन किया, तुम किसी के घर पे नहीं थी। मैं नजफ से मिलने गई थी, अपनी बहन से। मेरी मोहब्बत को दर समझ कर ठुकरा दिया तुमने। तुम तो बड़ी खुददार बनती थी, तुम्हें तो सिकंदर भाई से बड़ी नफरत थी, बड़ी खरी खरी बातें सुनाई थी तुमने उन्हें, फिर क्यों बर्दाश्त करती हो ये बेइज्जती? अब मुझे जरा ये बताओ कि तुमने सिकंदर भाई की मंगनी क्यों तोड़वाई? तुम्हारी बहन थी ना वो। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पागल हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुझसे कोई सवाल ना करें। अब तो यही कहोगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब है भी नहीं, लेकिन बताओ ना क्यों किया तुमने अपनी बहन के साथ ऐसा? क्यों तोड़वा दी तुमने उसकी मंगनी? मैं अगर खामोश हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके दिल में जो भी आएगा आप कहेंगे। तुम्हें तो सिकंदर भाई से नफरत थी ना, उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में आकर कितने मसले क्रिएट किए थे कि तुम उन्हें माफ करने को भी तैयार नहीं थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि अब तुम उनकी किसी बात को इनकार नहीं कर सकते? कहीं तुम्हें उनसे मोहब्बत तो नहीं होगी? जुबैर भाई प्लीज मेरे सब्र को मत आजमाएं, जाएं यहां से। जा रहा हूं, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तुम्हें जज्बों को समझने का शऊर नहीं। जिसको मोहब्बत समझना चाहिए उसे तर्स का नाम देती, और जहां नफरत करती थी वहां मोहब्बत कर बैठी। खैर तुम खुश हो जाओ, अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आ रहा, मैं खुद को तुमसे दस्तबरदार करता हूं। इतनी सारी बातों में आपने पहली बात काम की, बहुत अच्छा किया आपने जो खुद पीछे हटे, लेकिन अगर आप अपने फैसले को मुझ पर ना थोपते तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे तो पहले ही पता था कि आपकी मोहब्बत पायदार है ही नहीं, किसी के भी कहने या सुनने से खत्म हो सकती है, और मुझे नापुख्तगी फैसलों में या किरदारों में नहीं पसंद। है यूं मिले के रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए, थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपने अपने रात हम, निभा सके नाम से हम के उससे पहले रो दे। तुम उस लड़की के पास क्यों गई थी? बहन है वो मेरी, लेकिन उसने तो तुम्हारे साथ कभी अच्छा नहीं किया, उसने तो आते ही। मेरे साथ तो किसी ने अच्छा नहीं किया मामा, आपने क्या अच्छा किया? मुझसे मेरी शनाख्त छुपाकर, मेरे माँ बाप मेरे बहन भाई के बारे में छुपाकर, मुझसे सच छुपाकर। लेकिन बेटा मैंने तो। मामा प्लीज आप मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो।
मामू, आप ही कब आएंगी? बहुत जल्द, आप बस दुआ करना। मैं करती हूँ दुआ। क्या मांगती हो दुआ? मैं मांगती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आप ही बहुत पसंद है, आप प्लीज उन्हें मेरे पास हमेशा के लिए ले आए। मैंने कहा था आप इसे कि वो आपकी दुल्हन बन जाए, शायद वो दुल्हन बनने गई हो। हाँ, अब अगर वो आएंगी तो दुल्हन बन कर ही। कब? बहुत जल्द। देख लिया कितनी गुन्नी निकली है तुम्हारी भांजी। क्यों, क्या हुआ? अपनी बहन की मंगनी तोड़वा दी। मैंने कहती थी कोई बात जरूर है, इसलिए तो आते साथ ही मुंह लपेट कर कमरे में घुस गई। अरे उसके तो आने के अंदाज ही बता रहे थे कि कोई गुल खिला कर आ रही है, मगर तुम तो उसके खिलाफ कोई सुनने को तैयार ही नहीं। कसम खुदा का, इतना भी कोई साजिश ही हो सकता कि अपनी बहन की? खुदा के लिए, खुदा के लिए अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, नजफ को इल्जाम मत दो। सिकंदर ने राज खुलने पर खुद ही रिश्ता तोड़ा होगा। मुझे यकीन था कि अपनी भांजी के बारे में तो तुम कुछ सुनना पसंद ही नहीं करोगे, राह निकाल ली ना उसको बचाने की। मुझे तो अब उससे डर लगता है। साफ बात है, कब किसके खिलाफ क्या कर जाए कुछ पता नहीं। इतने साल हो गए तुम नहीं बदले, वही की वही रही। अरे ये तो सोचो, हो सकता है उसको अपने तकब्बुर की सजा मिली हो। इतनी मासूम तुम्हारी नजर, तुम अगर मलिया की बातें सुन लेते ना तो तुम्हें यकीन आ जाता, मगर तुम्हारी आंखों पर तो उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। जो भांजी ने कह दिया, मामू ने अमन्ना सदकना मान लिया। देखो भाई, ये सिकंदर का मामला है, उसने खुद रिश्ता किया था, उसने राज खुलने पर मंगनी खुद तोड़ दी, इसमें हम क्या कह सकते हैं और हमारा क्या लेना देना उससे, और हम उसके मामले में बोल भी नहीं सकते, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। कैसे ला ताल्लुक रह सकते हैं हम? आज मलिया आई है, कल को उसकी माँ आएगी, हम कैसे ना सोचे इस बारे में। तुमने कभी एक्सपेक्ट किया था कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा? हाँ, मेरा दिल कह रहा था कि तुमसे दोबारा बात जरूर करूंगी। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। नहीं मलिया, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बड़ा अच्छा प्यार है, मुझसे मेरी मोहब्बत ही छीन ली। मलिया ऐसी बातें नहीं करूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करती हूँ। पता नहीं किस दिल से दुआएं की जो कबूल ही नहीं है। तुम्हें पता है मेरी हमेशा से आरज़ू थी कि हम दोनों बहनों की तरह रहे, एक दूसरे से प्यार करें, बातें करें, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि मेरी आरज़ू पूरी भी हो रही है तो इस तरह। मेरे वालदैन कौन है नजफ? हमारी अम्मा का इंतकाल हो गया था तुम्हारी पैदाइश के वक्त। मैं उस वक्त 2.5 साल की थी। फिर अम्मा के चले जाने के बाद अब्बा ने दूसरी शादी कर ली थी। सिकंदर साहब की अम्मा ने अब्बा से कहकर तुम्हें अपनी दोस्त को गोद दे दिया। कुछ अर्सा पहले अब्बा सऊदी चले गए थे। उनका भी इंतकाल हो गया। लिया मैं उनको आखिरी बार देख भी नहीं सकी।
मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं आप जैसे 10 सिकंदर अपनी बहन पर कुर्बान कर सकती हूं। अम्मा अम्मा अल्लाह आपको कैसे बताऊं मैं कितनी खुश हूं। अम्मा सिकंदर की मंगनी टूट गई, आपको पता है मेरी सारी दुआएं कबूल होने लग गई। छोड़ो, इतनी खेखी करने की जरूरत नहीं, सिकंदर फिर भी तुमसे शादी नहीं करेगा। अम्मा आप भी ना मुझे कभी खुश नहीं देख सकती हैं। जब मेरी दुआओं से उसकी मंगनी टूट सकती है तो क्या मेरी उससे शादी नहीं हो सकती? अम्मा जब तक नजफ है ना, कोई भी खुशफहमी ना पालना। जिसने अपनी बहन का लिहाज नहीं किया तुम्हारा क्या करेगी वो? हाँ अम्मा तुम्हारी बात में वजन तो है, मुझे चलाक तो शुरू से लगती थी पर इतनी मक्कार निकलेगी इसका अंदाजा नहीं था मुझे। उसने तो डायनो वाला काम किया है। देखो बेटा उसे बच कर रहना, उसे बिल्कुल पता ना चले कि तुम सिकंदर से शादी करना चाहती हो, वरना वह तुम्हारा पत्ता काटने में देर नहीं लगाएगी। समझी ना मेरी बात? सारी गलती समीना की है, उसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी, पहले ही बताना चाहिए। कितना दुखी हो रही होगी बच्ची। आखिर वो है तो मेरे खून में, हम दोनों बातें साथ हो गए। सिकंदर ने भी मंगनी खत्म कर दी, थोड़ा तो एहसास करना चाहिए था ना उन्हें। तुम्हारी क्या बात हुई मलिया से? अम्मा और अब्बा के बारे में पूछ रही थी। और बेटा अपने बारे में क्या सोचा है तुमने? मेरे बारे में तो मेरी किस्मत ही मेरा फैसला करेगी। मैं तो तुमसे बस इतना ही कहूंगा ना कि जो कुछ भी हुआ ना वो तो तुम्हारी बेहतरी के लिए हुआ है। बस अपने दिल को तकलीफ मत देना बेटा। मेरे के रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए। थे अपने अपने ख्वाब हम, थे अपने अपने रात हम, निभा सके ना उनसे हम के उससे पहले रो दिए। हेलो, उठा क्यों नहीं रही? कब से कर रहा हूं। तो आप फोन ही क्यों कर रहे थे? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। मैं आपको जवाब दे चुकी हूं। देखो नाजफ, तुम सिर्फ जज्बाती होकर सोच रही हो। आप कैसे किसी इंसान के जज्बात उससे अलग कर सकते हैं? क्या आप जज्बाती नहीं है दुआ के लिए? तो अगर मैं अपनी बहन के लिए जज्बाती हो रही हूं तो इसमें गलत बात क्या है? बात पूछूं एक? जी
तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं है क्या? अपने दिल से पूछकर जवाब देना। नहीं, मैं अपनी बहन से मोहब्बत करती हूँ। मेरी बात का जवाब फिर से गोल कर दिया ना? देखो नजफ, मैं जानता हूं कि तुम ये कहना ही नहीं चाहते कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। यू नो नजफ, थोड़े बहुत चेहरे मैं भी पढ़ लेता हूं, और मुझे इस बात का यकीन है कि अगर हमारे दरमियान मलीहा ना होती तो तुम मेरा प्रपोजल ना रिजेक्ट करती। गलतफहमी है आपकी नजफ। प्लीज, अपनी बहन की खुशियों के लिए तुम अपनी खुशियां बर्बाद मत करो और मुझे जाया मत करो प्लीज। सिकंदर साहब, मलीहा मेरी सगी बहन है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो मैं कौन हूं नजफ, जब तुम अपनी नफरत करने वाली बहन से इतनी मोहब्बत कर सकती हो? तो मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं आप जैसे दस सिकंदर अपनी बहन पर कुर्बान कर सकती हूँ। लेकिन मामा, आपको सिकंदर को कॉल नहीं करनी चाहिए थी। जो उसने फैसला किया है उसके बाद से मेरे मसाइल का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तुम अचानक घर छोड़ के चली गई थी, मैं परेशान हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। सिकंदर से भी बात करना जरूरी था। उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसे कभी नहीं माफ कर सकती। उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है मामा, गलती मेरी है। वन साइडेड लव में ऐसे ही होता है। फिर भी उसे मंगनी तोड़ने से पहले मुझसे तुमसे बात जरूर करनी चाहिए थी। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे मंगनी तोड़नी थी तोड़ती। उसे तो एक अच्छा बहाना मिल गया था, तो क्यों ना फायदा उठाता। मलिया, जो भी कुछ हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, बस तुम मुझे छोड़ के मत जाना। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं। मामा, कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम हर्ट हुई हो, इतनी बड़ी बात तुमसे छुपाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं मामा, प्लीज इस तरह मत कहें। तुम्हें पता है सिकंदर के घर से मैं नजफ को भी इसीलिए निकलवाना चाहती थी कहीं वो तुम्हें सब कुछ ना बता दे। अब तुम देखना, जिस जिसने तुम्हारा दिल दुखाया है ना, मैं उसके साथ करती क्या हूँ? नहीं मामा, मुझे किसी से बदला नहीं लेना है। मैं सिकंदर से मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी, बस। मलिया बीबी, आपका फोन। हेलो, ओके। किसका फोन है? सिकंदर। वो तुम्हें फोन अब क्यों कर रहा है? बुला रहा है। क्या कह रहा है? कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, मना कर दो फौरन। मामा, मुझे सिकंदर ने बुलाया है और आपको पता है मैं उसकी कोई बात नहीं टाल सकती। तो बेटा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कहूंगा, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा बनकर रह सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारी दोस्त बनके नहीं रहना चाहती थी। और मैं ये समझता हूं कि हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता ही सबसे अच्छा है, हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं बन सकता। कि तुम्हारा आखिरी फैसला? इसी फैसले में मेरी और तुम्हारी भलाई है मलिया। तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मैं समझ जाऊंगी? हाँ,
क्योंकि तुम एक समझदार और बाहिम्मत लड़की हो। लेकिन हम मिल तो सकते हैं ना? Of course, any time. वैसे उस दिन तुम गई कहाँ थी? आंटी परेशान हो रही थी बहुत। नजफ से मिलने। नजफ से मिलने? क्यों? क्यों क्या मतलब? बहन है वो मेरी। तो यानी तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया? इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैंने उसे एक्सेप्ट किया या नहीं किया? अब तुम उसे दुआ के लिए गवर्नेंस रखो या ना रखो, तुम्हारा मामला। एक बात पूछूं, कितनी मोहब्बत करती हो उससे? अभी भी पूछने की जरूरत है तुम? एक बात मानोगे मेरी? कहो। तो मेरे साथ चलोगी नजफ के घर? मेरा प्रपोजल लेकर। What? मलिहा, बात तो सुनो, बात क्या हुई ये बताओ तो सही। मलिहा मेरी बात तो सुनो। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता ही सबसे अच्छा है, हमारे बीच और कोई रिश्ता नहीं बन सकता। मलिहा, मलिया दरवाजा खोलो। मलिया बताओ तो सिकंदर ने क्या कहा है? मामा प्लीज मुझे डिस्टर्ब ना करें, आप चली जाएं यहाँ से। बेटा बात तो सुनो मेरी। प्लीज मामा। ये सब क्या हो रहा है? कब सब कुछ ठीक होगा? या अल्लाह मेरी बेटी पे रहम करना। मेरे साथ चलोगी नजफ के घर मेरा मेरा प्रपोजल लेकर? खुदगर्ज इंसान, झूठा, मकार, मुझे झुठलाता था। आखिर निकली ना वही वजह, नजफ। नजफ की वजह से मेरी मोहब्बत को टुकरा रहा है, मेरी मोहब्बत को। अहमियत ही क्या है उसकी? चला उससे शादी करने के लिए। के रास्ते जुदा जुदा से हो गए, चराग जो जलाए थे वो शाम से ही सो गए थे। अपने अपने ख्वाब हम थे, अपने अपने रात हम निभा सके नाम से हम के उससे पहले रो दे। किसी को देखो न जुदाई तुझसे बस दिल काटे हैं वो। फिर आखिरकार जादूगर का जादू टूट जाता है और वो गुड़िया वापस से प्यारी सी लड़की बन जाती। मेरी तरह मामू? हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। और उसकी मम्मी मामू? उसकी मम्मी भी बहुत क्यूट बन जाती है। बिल्कुल नजफ आपकी तरह ना। मामू आपने तो कहा था कि आप जल्दी से आप ही को ले आएंगे। हाँ बहुत जिद्दी है आपकी आपा, बात नहीं मानती। लेकिन मेरी तो हर बात मानती थी। Thank you.
मामू अब मुस्कुरा क्यों रहे हैं? पहले पपी दो। पहले बताएं ना क्यों मुस्कुरा रहे? तुम पहले पपी दो। अच्छा ठीक है, अब बताएं क्यों मुस्कुरा रहे? कल बताऊंगा। ठीक है चल नींद आई मुझे, बात सो जाओ। चल गुड नाइट। इधर आओ मेरे पास, आपका भाई। अभी आई हूँ। तो मैंने आपको कितना मिस किया था। अब इस हैरानी से देखती रहोगी या बैठने पर भी खाएंगी? हम मेहमान आए तुम्हारे घर पे। सॉरी, आओ बैठो। मलिया, ये हमारे मामू हैं। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दिखाए। और ये मुमानी, जीती रहो। और ये रीमा, मामू की बेटी है। मामू, अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मना तो नहीं करेंगे? अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा, अगर तुम कहो तो मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके रखूं। मैं अपनी बहन का हाथ मांगने आई हूं। सिकंदर के लिए कहानी तो अब खुली, ये बात तो दूर तक चली गई। एक ना एक दिन तुम्हें मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाएगा। लिसन मलिया, मुझे एहसास है कि तुम्हें सारी सिचुएशन में बहुत हर्ट हुई होगी, मगर तुमने तो मेरे जीने का मकसद ही छीन लिया सिकंदर। आप तो ऐसे ताव दिखा रही हैं जैसे मैंने आपके साथ कोई धोखा किया हो। मैं किराए की बदमाश थोड़ी हूँ कि आपके मेरे सौदे के बीच जो भी आएगा टपका दूंगी।